हाँ जी बच्चों, देखो इसमें अब हम देखेंगे रिकॉग्निशन एज के एमपी। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है, जो भी स्टूडेंट अभी तो आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट सीएस करते हैं उनका पहला प्रश्न, उनका नहीं तो उनके पेरेंट्स का, उनके पेरेंट्स का नहीं तो उनके रिलेटिव का, ये बताओ सीएस करने के बाद जॉब कहाँ लगेगी, ये बताओ अगर सीएस क्वालिफाई कर लिया तो क्वालिफाई करने के बाद या कंप्लीट करने के बाद नौकरी के क्या चांसेस हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन। आज इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पूरे एविडेंसेस के साथ देती हूँ कि एक सीएस कोर्स को क्वालिफाई करने के बाद आपकी जॉब के क्या चांसेस हैं और कहाँ कहाँ आपकी जॉब लग सकती है। देखो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्या कि सीएस क्वालिफाई करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आपके पास दो रास्ते होते हैं। रास्ता नंबर वन, आप किसी कंपनी का रुक करो, मतलब आप जॉब में चले जाओ। रास्ता नंबर टू, आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। मैम दोनों में क्या अंतर है? देखो कुछ ये डिपेंड करता है आपके नेचर पे। एक है जॉब, एक है बिजनेस। जॉब के अंदर आपकी फिक्स सैलरी है, बिजनेस में फिक्स सैलरी नहीं होती, ये आप जानते ही होंगे। सीएस करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो और प्रैक्टिस में आप जितना काम करोगे, जितना आपका हार्डवर्क होगा उतनी आपकी रिटर्न होगी। प्रैक्टिस कैसे होती है वो मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगी, अभी सारी चीज़ें अभी बता दूंगी तो आगे क्या पढ़ाऊंगी, तो समझिए मेरी बात क्या कहना चाह रही हूँ मैं। स्पेसिफिकली आई एम फोकस कि अगर सीएस क्वालिफाई कर लेते हैं तो सीएस क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो दो रास्ते खुले, एक तो ये कि हम जॉब कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपना ही प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हो। प्रैक्टिस में आपके जितने क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स के बेसिस पे आपको क्या मिलती है, आपकी सैलरी नहीं मिलती, बेसिकली आपको पेमेंट्स मिलते हैं। जैसे एक सिंपल सी भाषा में, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बहुत साधारण सी भाषा में आपको समझाती हूँ। जैसे डॉक्टर बनने के बाद किसी क्लिनिक में आप जॉब कर लो, एज ए डॉक्टर अपॉइंट हो जाओ, या फिर अपना क्लिनिक सेटअप कर लो। सुनो ध्यान से, डॉक्टर आप अगर डॉक्टर मतलब आपने जो भी डॉक्टर कर लेता है, डॉक्टरी कर लेता है, एक तो ये होता है कि किसी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर लिया, एक होता है कि अपना ही हॉस्पिटल सेटअप कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से सीएस में, सीएस क्वालिफाई करने के बाद आप किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकते हो, वहां से आपको सैलरी मिलेगी, या फिर आप अपना ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। ये बात क्लियर होगी मैम? यस, ये क्लियर होगी। अगला मुद्दा, अगला पॉइंट, रिकॉग्निशन एज के एम पी। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, रिकॉग्निशन एज के एम पी की अगर हम बात करें, पहली बात तो ये के एम और पी, इसका मीनिंग क्या है? के का मीनिंग यहाँ पे की मीन्स चाबी, एम फॉर मैनेजरियल और पर्सनल, तीन शब्दों को मिला के बना के एम पी, की मैनेजरियल पर्सनल। अब सुनो ध्यान से, एक कंपनी के अंदर हजारों लोग काम करते हैं, एक कंपनी के अंदर लाखों लोगों का पैसा होता है, उसकी पैसे की, कानून फॉलो करने की, गलती की, लॉ को कंपाइल करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर दी जाए? तो कुछ लोग सेलेक्ट किए जाते हैं और उनको डाला जाता है के एम पी में। की पर्सन्स होते हैं वो, की मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि के एम पी से कंपनी सेक्रेटरी का क्या रिलेशनशिप है, के एम पी में क्या कंपनी सेक्रेटरी आते हैं? तो यही मुझे आपको आज समझाना है कि के एम पी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी भी कवर है। कैसे, देखिए सुनिए, आप जब कंपनी एक्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर एक तो सेक्शंस होंगे और साथ में रूल्स होंगे, सेक्शंस भी डिस्कस करेंगे और रूल्स भी डिस्कस करेंगे। अगर रूल्स की बात करें, रूल्स की, आर यू एल ई एस, रूल्स की बात करें, मैं मानती हूँ आप बच्चे बहुत छोटे हो, अभी जस्ट एंट्रेंस टेस्ट, सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन फिर भी देखिए समझनी तो पड़ेंगी सारी चीज़ें। बहुत आम भाषा में समझाती हूँ, जब हम सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन एक्ट में होता है और पार्लियामेंट बनाती है, उसी के अंदर सेक्शंस के अंदर कई बार शब्द यूज होगा एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। क्या वर्ड यूज होगा? एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। और जब भी एज में भी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड हो, इट मींस यहां पे पावर चली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। प्रिस्क्राइब्ड बोले तो रूल्स में जाना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब्ड बोले तो
रूल्स में जाना पड़ेगा, और रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, किसके पास है रूल्स बनाने की पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे टोटल कंपनी एक्ट के अंदर टोटल 470 सेक्शंस हैं, और मोर देन 300 सेक्शंस में पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है। इट मीन्स मैम एक बात तो साफ हो गई कि मोर देन 300 सेक्शन में वर्ड यूज़ किया होगा प्रिस्क्राइब्ड, येस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, तो मोर देन 300 सेक्शंस में जब प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज़ किया तो इट मीन्स रूल्स में जाना है, जो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया वो रूल्स में चेक करो, एंड रूल्स इज मेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फिर दोबारा से वापस आते हैं, टॉपिक क्या है, रिकॉग्निशन एज केएमपी। देखो पहली बात तो मैं केएमपी की डेफिनेशन बता देती हूँ। केएमपी डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 51। कहाँ डिफाइन किया गया, अगर केएमपी सिर्फ केएमपी की डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो ये डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 51। अब आसान तरीका, जितनी भी डेफिनेशन कंपनी एक्ट के अंदर है, एक नियम याद रखना, जैसे ही मैं बोलूं डेफिनेशन वैसे ही बोले तो सेक्शन 2। मैम समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। कंपनी एक्ट के अंदर जैसे ही मैं बोलूं डेफिनेशंस वैसे ही आप समझ जाना सेक्शन नंबर 2, ठीक है। लेकिन बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, 1 है, 21, 23, 24, 25, 26, ब्ला ब्ला नंबर ऑफ डेफिनेशंस हैं। मैंने बोला केएमपी की डेफिनेशन, तो एक बात तो डैम श्योर हो गई कि सेक्शन 2 तो कंफर्म है। लो मैं इसे छुपा देती हूं, क्या एक बात तो श्योर हो गई कि सेक्शन 2 तो कंफर्म है, यस और नो बताओ, क्या सेक्शन 2 कंफर्म है या नहीं है। मैं इसे छुपा देती हूं, लो जी सेक्शन 2 तो कंफर्म है ना, उसके बाद हमें याद करना है 51। कंपनी सेक्रेटरी, ध्यान से सुनना, कंपनी सेक्रेटरी केएमपी में कवर है, केएमपी जहां भी होगा वहां कंपनी सेक्रेटरी आएगा, तो इट मींस 51 रुपए में हमें प्रसाद मिला है। दिस इज अ टेक्निक टू लर्न द सेक्शन। फिर दोबारा सुनो, केएमपी में कंपनी सेक्रेटरी आता है, केएमपी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 51, यस और नो, और 51 में हमें प्रसाद मिला है, तो केएमपी इज डिफाइंड इन 251, तो आपको ऐसे ही याद कर सकते हो। चलो जी, कंपनी सेक्रेटरी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द केएमपी, होगी बात साफ कि कंपनी सेक्रेटरी भी केएमपी में कवर होता है, अंडर कहां, कंपनी एक्ट 2013, ठीक है जी। सेक्शन 203 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रीड विद रूल 8 ऑफ कंपनीज, आया रूल, इट मींस रूल 8 की बात करी, रूल 8 किसने बनाया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कंपनी सेक्रेटरी रिकॉग्नाइज्ड हो गया है केएमपी में, जिन कंपनीज में केएमपी अपॉइंट होंगे ऑटोमेटिक सी बात है कंपनी सेक्रेटरी होगा, यस और नो प्लीज जल्दी बताइए, क्या कंपनी सेक्रेटरी कवर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है, किस किस कंपनी के अंदर, ध्यान देना मेरी बात, किस किस कंपनी के अंदर केएमपी की रिक्वायरमेंट है, किस किस कंपनी के अंदर केएमपी की रिक्वायरमेंट है। तो नंबर वन, ये बात लिखी है रूल 8 में, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी, सुनना मेरी बात ध्यान से, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 करोड़ रुपीज और मोर, 10 करोड़ या उससे ज्यादा अगर पेड अप शेयर कैपिटल है, उन कंपनी को, उन कंपनी को होल टाइम केएमपी रखना है। मैम देखिए बात ऐसी है, सुनिए दोबारा से, ये हमें कुछ बात समझ नहीं आई, आप स्टेप बाय स्टेप बताइए, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि केएमपी की, केएमपी में ऑटोमेटिकली कंपनी सेक्रेटरी कवर है, ये बात समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर 2 की, केएमपी किस किस कंपनी में अपॉइंट होना है, तो लिस्टेड कंपनी में तो अपॉइंट होने ही होने हैं, लिस्टेड कंपनी में तो, अभी ये मत पूछना लिस्टेड कंपनी क्या होती है, बाद में बताऊंगी, लिस्टेड का अभी से होल्ड कर दो, लिस्टेड कंपनी में तो केएमपी होगा ही होगा। और मैम दूसरा, एवरी अदर प्राइवेट कंपनी, हाँ बोलो बच्चों, क्या मैंने यहां प्राइवेट कंपनी बोला, नहीं नहीं, इट मींस क्या वर्ड यूज किया, एवरी अदर पब्लिक कंपनी, किया या नहीं किया, एवरी अदर पब्लिक कंपनी Having paid up share capital of rupees 10 crore or more. मैं फिर दोबारा से फोकस कर रही हूं, चिड़िया उड़ खेलें, चलो चिड़िया उड़ खेलते हैं,
ये बताओ क्या हर लिस्टेड कंपनी में कैंपियो पॉइंट होगा? यस मैम. ओके, क्या हर पब्लिक कंपनी में कैंपियो पॉइंट होगा? यस मैम. नहीं, पकड़े गए, गलत है. क्यों गलत है? सुनो, लिस्टेड कंपनी को तो आंख बंद करी, देखा लिस्टेड कंपनी है, केएमपी की रिक्वायरमेंट है. लेकिन पब्लिक कंपनी में आंखें बंद नहीं करनी है, नहीं करनी है. पब्लिक कंपनी के केस में चेक करना है, लिस्टेड कंपनी के केस में कोई क्राइटेरिया चेक नहीं करना. लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में क्राइटेरिया चेक करना है. और क्या क्राइटेरिया चेक करना है? कि अगर पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो केएमपी अपॉइंट होगा, और नहीं है तो केएमपी अपॉइंट नहीं होगा. अब देखो, मैं इसी के ऊपर पॉइंट नंबर वन, आप मुझे आंसर देना, जल्दी बताओ, क्या लिस्टेड कंपनी में केएमपी अपॉइंट होगा? आंसर इज यस मैम. क्या लिस्टेड कंपनी में केएमपी अपॉइंट होगा? आंसर इज यस मैम. ओके, क्या लिस्टेड कंपनी में रिक्वायरमेंट चेक करनी है पेड अप शेयर कैपिटल की? नो मैम. अच्छा, अब अगली पॉइंट सुनो, क्या प्राइवेट कंपनी के अंदर केएमपी अपॉइंट होगा? बोलो जल्दी 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 आंसर आना चाहिए. क्या प्राइवेट कंपनी में केएमपी अपॉइंट होगा? सोचते हैं मैम, सोचते हैं, है सोचने की बात ही नहीं है, कहीं बोला ही नहीं है. नो मैम. ओके, अगला पॉइंट, क्या हर पब्लिक कंपनी में केएमपी अपॉइंट होगा? हाँ जी बच्चों, क्या हर पब्लिक कंपनी में केएमपी अपॉइंट होगा? आवाज आनी चाहिए. ओके, क्या हर पब्लिक कंपनी में केएमपी अपॉइंट होगा? नो मैम. ओके, क्या ऐसी पब्लिक कंपनी में केएमपी अपॉइंट होगा जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 8 करोड़ है? हाँ जी, 8 करोड़ वाली में होगा? आंसर इज नो. अच्छा मैम, नो करोड़ क्या होगा? आंसर इज नो मैम. 10 करोड़ क्या होगा? आंसर इज यस मैम. 11 करोड़ आंसर इज यस. आंसर इज यस. आगे देखिए, प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल इज 12 करोड़, जल्दी बोलो केएमपी अपॉइंट होगा? नो. क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है बेटा? समझ आई या नहीं आई तो जल्दी से बताओ. क्या लिस्टेड कंपनी में केएमपी अपॉइंट होगा? यस मैम. क्या लिस्टेड कंपनी में रिक्वायरमेंट चेक करनी है? नो मैम. प्राइवेट कंपनी में केएमपी अपॉइंट होगा? नो मैम. हर पब्लिक कंपनी में अपॉइंट होगा? नो मैम. क्या ऐसी पब्लिक कंपनी में अपॉइंट होगा जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है? मुझे लगता है आप समझ में आ जाना चाहिए. हाँ जी मैम, हमें समझ आया. आगे बढ़ते हैं, कौन कौन कवर होगा इसमें? एमडी या फिर CEO या फिर मैनेजर, इन देयर एब्सेंस, ये नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, CFO. उसी के साथ साथ मैम आप एक बात बताइए, हमें एक बात तो समझ में आई कि हमारा स्कोप दो तरीके से नजर आ रहा है. एक तो हम KMP में कवर हो गए, लेकिन मैम जो हम KMP में कवर हुए हैं ना, वहां पे एक पॉइंट नहीं है. क्या बताइए? वहाँ पे मैम प्राइवेट कंपनी नहीं है, वहाँ सिर्फ पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी है. इसका मतलब प्राइवेट कंपनी में हमारा कोई स्कोप नहीं है? नहीं है. आपका स्कोप, जब जब अधर्म होता है तब तब धर्म की स्थापना होती है. ये देखिए, धर्म की स्थापना हुई रूल 8A में. मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था, जब ABC ऐसे कुछ ऐड होता है तो समझ लेना अमेंडमेंट से है, तो आपकी बात सुनी गई. एंड दिस रूल 8A, रूल 8A प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशन, बडिंग कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशन. सुनो ध्यान से, रूल 8A ने क्या कहा? एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 करोड़ और मोर शैल हैव होल टाइम CS. इट मीन्स यहाँ पे प्राइवेट कंपनी कवर हो गई, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको भी क्या करना है? होल टाइम CS अपॉइंट करना है. तो देखिए, हम अगर स्कोप की बात करें
तो दो तरीके से हमारा स्कोप हमारे सामने नजर आया, क्या क्या, एक तो के एम पी के अंदर सी एस कवर हुआ और एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम सी एस। होल टाइम सी एस की रिक्वायरमेंट क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 करोड़ और मोर, 10 करोड़ और मोर, उनको भी क्या करना पड़ेगा, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। और यहाँ तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि के एम पी में ऑटोमेटिकली सी एस कवर हो रहे हैं, कहाँ कहाँ, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज दिस एंड दिस। ये सारा मैंने आपको बताया, रूल 8 और 8 ए को मिला के, रूल 8 हमारे के एम पी की बात करता है, 8 ए में हमारा होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की बात करता है। बहुत लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इस साल अमेंडमेंट हुई है इसमें, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये था हमारा पूरा स्कोप, रिकॉग्निशन एज के एम पी एंड कंपनी सेक्रेटरी। आगे बढ़ते हैं,